हर किसी की एक कहानी होती है, एक सफरनामा होता है। आज हम एक सफरनामा लेके आए हैं दो अधिकारियों का, ललितपुर में जिन्होंने सेवा दी है। IAS मानवेन सिंह, जिन्होंने ललितपुर में विकास की वो नींव खोद के गए हैं या वो गाथा लिख के गए हैं जिस पर ललितपुर इस समय दौड़ना आरंभ कर चुका है। तमाम अंडरब्रिज, तमाम ओवरब्रिज, ऑडिटोरियम, इसके साथ साथ जो आपकी मेडिकल कॉलेज उस पर भी उन्होंने प्रयास किए, एयरपोर्ट के काम को भी प्रयास किया और आपका देवगढ़ का जो ओवरब्रिज है उस पर भी उन्होंने प्रयास किया, पानी की समस्या पर प्रयास किया और वो सब भारतीय जनता पार्टी सरकार के टाइम पर ही ये सब अमल में आए हैं और प्रयास किए गए और अब वो कहीं ना कहीं एक स्वरूप लेते हुए नजर आ रहे हैं। DM मानवेन सिंह ने माफियाओं में जो डर और भय भरा वो भी देखने को मिला। बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ DM मानवेन सिंह के नेतृत्व में हुई इन 7 सालों में। अगर सबसे अच्छे कोई IAS के तौर पर, अगर जिलाधिकारी के तौर पर साबित हुए हैं तो वो हैं DM मानवेन सिंह। ललितपुर ने वो सब कुछ देखा जो बड़े जिलों में देखने को मिलता था, वो सब मानवेन सिंह ने एक छोटे पिछड़े जिले के लिए कहा। ललितपुर जो उत्तर प्रदेश का लंका कहा जाता है, ललितपुर जो डैमों का शहर कहा जाता है, ललितपुर जो ग्रेनाइट के लिए जाना जाता है, ललितपुर जहां देवताओं के मंदिर बड़े पैमाने पर हैं, वो बड़े पुराने मंदिर है, ऐतिहासिक मंदिर है, और ललितपुर व्यवहार के लिए भी जाना जाता है, ललितपुर उदारी के लिए भी जाना जाता है। और ललितपुर में दो ऐसे अधिकारी भी आए हैं जिन्होंने माफियाओं को बताया कि तुम माफिया हो। DM मानवेन सिंह अधिकारी हो चाहे नेता हो, सब में डर भय था मानवेन सिंह जी का, क्योंकि समय के साथ वो चलते थे, समय पर काम करते थे और जनता के बीच में सीधे खड़े थे, सीधा संवाद था, वो कहीं कमी तो सीधे खड़े भी हो जाते थे कार्रवाई करने के लिए मानवेन सिंह। दूसरे SDM संतोष उपाध्याय, ललितपुर में जितने भी भू माफिया, खनन माफिया, ऐसे माफिया जो पर्दे के पीछे खेल करते हैं, उन सबको सूचीबद्ध कहीं किया है तो उसमें सबसे बड़ा योगदान डॉक्टर संतोष उपाध्याय सदर SDM ललितपुर का था, जो मौजूदा समय में पाली SDM हैं। SDM ने बताया या संतोष उपाध्याय ने बताया कि SDM के पावर क्या होते हैं, SDM के काम क्या होते हैं, और सरकार अगर मंशा दिखा दे कि माफियाओं पर कार्रवाई करनी है तो माफियाओं को सूचीबद्ध कैसे किया जाता है, एक डॉक्टर संतोष उपाध्याय ने करके दिखाया है। ललितपुर में मौजूदा समय में जो भी घटनाक्रम हो रहे हैं, जो भी माफियाओं की चर्चा हो रही है, उसमें संतोष उपाध्याय द्वारा जो कार्य किया गया, जो सूचीबद्ध माफियाओं को किया गया, उनकी कमियों को इकट्ठा किया गया, फाइल तैयार की गई, उससे पता चला मीडिया के लिए, और कार्रवाइयां योगी सरकार का बुलडोजर जो दौड़ा है उससे चीजें सिद्ध हुई कि ये लोग गलत हैं। उनको बचाने के लिए सत्ता संरक्षक माफियाओं ने एड़ी चोटी की दम भी लगाई और वो कामयाब भी हुई, लेकिन काम तो संतोष उपाध्याय कर चुके थे माफियाओं की चर्चा करने के लिए मीडिया के पास, तमाम जो मसाला था वो आ चुका था, बड़े बड़े नेताओं के गले बांध तक संतोष उपाध्याय पहुंच चुके थे। वो सत्ता संरक्षक माफिया जो अपने आप को मुख्यमंत्री से बड़ा मान ले जाते हो, कहते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री तो हम हैं, ऐसे पर्दे के पीछे के तमाम माफिया, तमाम ऐसे चंदाखोर जो संगठनों के नाम पर चंदा पेलते हैं, लेते हैं और उसके बाद माफियाओं की वाहवाहीगिरी करते हैं, उनको बचाने का काम करते हैं, उनकी गले बांध भी संतोष उपाध्याय ने पकड़ ली। मेरी आंखों के सामने की बहुत सारी घटनाएं हैं जिसमें संतोष उपाध्याय ने माफियाओं को आड़ा कर दिया था, लेकिन माफिया अपने षड्यंत्र में कामयाब हुए, संतोष उपाध्याय को हटवा दिए और उसके बाद पूरे जो सूची बनी थी जिनमें 600 लोग थे, फिर 300 उसमें से और भी आए, अभी जो हम लोगों के पास अपनी सूची है उसमें 100 लोग ऐसे हैं जो सत्ता संरक्षक माफिया भी हैं, बड़े माफिया हैं और उनकी कलई खुलने ही वाली है। मुख्यमंत्री के समक्ष प्रकरण पहुंच चुका है, उनके समक्ष बहुत सारी चीजें रखी जा रही हैं, कुछ अधिकारी भी उन माफियाओं को बचाने में लगे, उनकी भी बात सामने आई। तो डॉक्टर संतोष उपाध्याय की चर्चा हो रही है, आज ही IAS मानवेन सिंह की चर्चा हो रही है। इस कहानी में दो ऐसे जाबाज अधिकारी जिन्होंने अपनी कलम की दम पर बताया कि संविधान कुछ है, कानून कुछ है, माफियाओं पर कार्रवाइयां भी होती हैं, वो कार्रवाइयां की, माफियाओं की कमर तो टूट ही रही है
टूटेगी भी, इन सत्ता संरक्षक दल बदलू नेताओं की भी कमर टूटने वाली है, इनकी भी कलाई खुलने वाली है। और ऐसे अधिकारी अगर लगातार कार्य करते हैं तो फिर काम भी होते हैं। अपनी कलम से न्याय करने में अधिकारियों का बहुत बड़ा काम होता है, वरना आप न्यायालय में घुसे रहिए, कानूनी लड़ाई लड़ते रहिए, पर बाद में राजीनामा करना पड़ेगा। तो सब चीजें होती हैं। आज इस कहानी में दो अधिकारियों की कहानी, IAS मानवन सिंह और PCS संतोष उपाध्याय की कहानी, कैसी लगी? दो अधिकारियों की कामकाज पर भी चर्चा करेंगे और आगे इन सब की डीपली इनके कहेंगे, इनका सफरनामा क्या रहा है जीवन का, इस पर भी हम चर्चा करेंगे IAS मानवन सिंह और डॉक्टर संतोष उपाध्याय के बारे में। जय हिंद। हमारे YouTube चैनल द बुंदेलखंड पोस्ट को सब्सक्राइब करें।